हेलो एवरीवन, एक बार गौर से इस फोटो को देखिए। क्या आपको इसे देखकर किसी की याद आई? यह है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के टाइम पर जेल जाने से बचने के लिए ऐसा पंजाबी गेटअप किया था। वो बाहर रहकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन को संभालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। आज हम इसी इमरजेंसी को देखेंगे, आखिर कैसे लगी थी ये पूरी इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 की सुबह रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को ये संदेश दिया। उस रात अचानक बोलना जुर्म हो गया। उस रात देश में कहीं भी आने जाने पर अचानक पाबंदी लग गई। उस रात अचानक सभा सम्मेलन बहस मुहावसा सब पर पाबंदी लग गई। उस रात संविधान से मिले आपके तमाम अधिकार छीन लिए गए। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो जाता है तो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के पद को संभालती है और अगले साल हुए जनरल इलेक्शन में वो फिर से इलेक्शन जीतकर इसी पोस्ट पर कंटिन्यू करती है। इंदिरा गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने पर बड़े बड़े गरीबी हटाने के वादे किए थे, तो सभी लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी की दो बड़ी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से बहस हो जाती है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और प्रिवेसी पर्स, जिसके बाद वो 1971 में भारत के कानून में 25th और 26th अमेंडमेंट एक्ट लाती हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के दोनों डिसीजंस को खारिज कर दिया जाता है। इस साल देश में फिर से जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और इस बार इंदिरा गांधी जी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाती हैं। इस बार वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि वो पूरे भारत पर अपना कंट्रोल जमा सके, तो वो सीएम के पदों पर उन्हीं लोगों को चुनती हैं जो कि उनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ताकि पूरे देश पर उन्हीं का ही कंट्रोल रहे। 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर होता है, जिसमें भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से हराता है। पर इस वॉर के बाद देश में हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जिसके बाद लोगों को इंदिरा गांधी जी के गरीबी हटाने के वादे झूठे लगने लगते हैं। साथ ही कुछ कांग्रेस के नेताओं का बड़े बड़े घोटालों में नाम आने लगता है, जिसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है 1974 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल पर भी एक ऐसा ही आरोप लगता है और फिर गुजरात में लोग आंदोलन करने पर उतर जाते हैं। इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी जी को गुजरात की कांग्रेस सरकार को गिराना पड़ता है। देश के दूसरे कोने बिहार में भी बढ़ते करप्शन को देखकर 1974 में स्टूडेंट्स एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, जिसको लीड करते हैं जेपी नारायण, जिसको जेपी मूवमेंट भी कहा जाता है। इसमें भी प्रोटेस्टर की मांग बिहार में कांग्रेस सरकार को डिसॉल्व करना ही होती है। साथ ही इसी साल जॉर्ज फर्नांडिस नाम के एक अपोजिशन लीडर ने रेलवे वर्कर के साथ मिलकर 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं, ताकि रेलवे वर्कर्स को बेटर सैलरी और वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके। इस प्रोटेस्ट में 17 लाख रेलवे वर्कर्स हिस्सा लेते हैं, जिससे ये स्ट्राइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्ट्राइक भी बन जाता है। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी जी दोनों ही प्रोटेस्टर्स के आगे नहीं झुकी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर वो इसी तरीके से सबकी बात मानती रही तो बहुत ही जल्द कांग्रेस सरकार खत्म हो जाएगी। और उन्होंने इन सभी मूवमेंट्स को एंटी नेशनल मूवमेंट बुलाया। ये प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे, तभी इंदिरा गांधी जी को एक और बड़ा झटका लगता है। 1975 में अलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है कि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटा दिया जाए। इस केस को राजनारायण ने फाइल किया था, जो कि सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट थे और वो 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के ओपोजिशन में खड़े हुए थे। राजनारायण का कहना था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों से इलेक्शन जीता है। टोटल 14 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, पर जांच के बाद सिर्फ 2 ही केस प्रूव हो पाए और वो भी बहुत छोटे थे। पहला था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल यादव इलेक्शन के टाइम पर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और दूसरा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हेल्प से अपने लिए एक स्टेज बनवाया था स्पीचेस के लिए, और ये दोनों ही चीज़ें इलेक्शन रूल्स के खिलाफ थी। इंदिरा गांधी जी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने के लिए लेकर जाती हैं, लेकिन जैसे ही न्यूज़ पब्लिक होती है सभी लोग और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और लोगों की बस एक ही डिमांड थी कि इंदिरा गांधी को अभी की अभी पोस्ट से रिज़ाइन करवाया जाए। साथ ही जेपी मूवमेंट भी फिर से लाइमलाइट में आने लगता है। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट की अगली सुनवाई तक वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर ही रहेगी। इस फैसले के बाद देश में जोरों शोरों से प्रोटेस्ट होने लगते हैं,
और लोग तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के द्वारा पूरे भारत में एमरजेंसी लगवा देती है। इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का रीज़न देते हुए उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद अली के थ्रू एमरजेंसी की घोषणा करवाई। 25 जून 1975 की रात को एमरजेंसी लागू हो जाती है, जिसके तहत सभी पावर प्रेसिडेंट के हाथों में चली जाती है, लोगों से उनकी फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और सरकार बिना किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में डाल सकती है। एमरजेंसी डिक्लेयर होने के कुछ ही घंटों बाद जॉर्ज फर्नांडिस, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एलके आडवाणी और जेपी नारायण को जेल में डाल दिया जाता है। रात में दिल्ली की बिजली को काट दिया जाता है ताकि अगले दिन कोई भी खबर न्यूज़पेपर में ना छप सके। इसके बाद अगले 24 महीनों में भारत के लोगों के साथ जो भी होता है उसे भूल पाना आज भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ओवरक्राउड जेलों में डाल दिया जाता है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे RSS को बैन कर दिया जाता है। साथ ही प्रेस के ऊपर सेंसरशिप इम्पोज कर दी जाती है। कई सारे पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी की तरह अंडरग्राउंड हो जाते हैं और आने वाले इलेक्शन को भी डिले करवा दिया जाता है। चारों तरफ इंदिरा गांधी की सरकार का डर कायम हो जाता है और कोई भी उनकी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। हजारों लोगों की इस एमरजेंसी के पीरियड में जान चली गई, लेकिन प्रेस का कंट्रोल इंदिरा गांधी के हाथों में होने की वजह से कई सारी नेगेटिव बातें ज़्यादा नहीं फैल पाई। फिर 21 मार्च 1977 को एमरजेंसी को फाइनली हटा दिया गया और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार की हार हुई और जनता पार्टी जीती, जिसमें मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बने। ये थी भारत की 1975 की एमरजेंसी।